IPL 2023 बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ना भाई सर चढ़ के बोल रहा है। वैसे ही आज का ये वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ जहां पर मैं बात करने वाला हूँ जो IPL 2023 का फोर्थ नंबर का मैच होने वाला है ना, वहां पर आपस में भिड़ने वाला है कौन कौन सा टीम। एक तरफ रहेगा सनराइजर हैदराबाद, तो दूसरी तरफ रहेगा राजस्थान रॉयल्स। तो दोनों टीमों के बीच में घमासान एक मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूल के तहत ना कैसा प्लेइंग 11 या फिर मैं अगर बात करूं तो कैसा प्लेइंग 16 बन सकता है, मतलब 16 खिलाड़ी का लिस्ट कैसा लेकर उतर सकता है दोनों टीम अपने तरफ से। ठीक है, तो आज का ये वीडियो भाई डेफिनेटली बेहतर होने वाला है। वीडियो को भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक दिन रात को मैं लाइव बनाता हूँ, लाइव में आके बातें होता है, और लाइव में जुड़ने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई लाइव में भाई मजा होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा भाई एनालिसिस से ज्यादा भाई मजा होता है, तो उस जगह पर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि तो अभी देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना कि इंपैक्ट खिलाड़ी के रूल के तहत जो कि मुझे देखने को मिला कि भाई आप 5 विदेशी अपना 16 जनों के स्क्वाड में रख सकते हो, मतलब आप एक विदेशी के बदले एक विदेशी को डाल सकते हो अपना प्लेइंग 11 पर। तो ये तो भाई बहुत सही चीज़ है। ठीक है, मतलब आपके टीम में अगर कोई भी विदेशी गेंदबाज है तो उस जगह पर उसको आप रिप्लेस करके अगर आपका बल्लेबाजी का पारी आता है तो आप एक बल्लेबाज को एड ऑन कर सकते हो। मतलब बहुत ही सही है नियम भाई देखने को मिल रहा है। भाई क्वालिटी भाई ब्रांड ऑफ क्रिकेट भाई अव्वल दर्जे में चला जाएगा। ठीक है, तो उस जगह पर दोनों टीमों का कैसा रहेगा फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 और उसके साथ भाई प्लेइंग 16। ठीक है, सबसे पहले एक टीम को पकड़ते हैं, सबसे पहले हम पकड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स को। तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से कैसा प्लेइंग 11 सबसे पहले रहेगा वो आप देखो, उसके बाद प्लेइंग 16 के ऊपर बात करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 यही रह सकता है कि भाई ओपन करने वाला है आपका जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल। ठीक है, ये दो मतलब बेहतरीन ओपनर, इसमें बताने की बात नहीं। उसके बाद संजू बाबा खेलने वाला है, उसके बाद 4 नंबर पे खेलने वाला है देवदत्त पाडिकल, 5 नंबर पे मैं रखा हूं शिमरन हेटमेयर को, उसके बाद आता है 6 नंबर पे मैं रख रहा हूं रियान प्राक को, उसके बाद आता है 7 नंबर पे मैं जेसन होल्डर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, 8 नंबर पे मैं रवि अश्विन ले आ रहा हूं, उसके बाद 9 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, 10 नंबर पे कुलदीप सेन, और लास्टली 11 नंबर पे यूजी चहल को मैं रख रहा हूं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 बन सकता है। लेकिन इसके बाद जो इंपैक्ट खिलाड़ी ऐड ऑन होगा ना, वहां पर मैं कौन कौन सा खिलाड़ी को रख सकता हूं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं रखा हूं ध्रुव जुड़ेल को जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है, उसके साथ ना मैं जो रूट को रखा हूं। देखो अगर आपको बल्लेबाजी में थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी देना है तो आप जो रूट को रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई गेंदबाजी और भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर करोगे तो उस जगह पर एडम जाम्पा बाहर बैठा हुआ है, तो एडम जाम्पा को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं रखा हूं, देखो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा जो रूट, आपका क्या रहेगा आप लोग कमेंट पर बताओ। ठीक है, उसके बाद रहेगा मैं रखा हूं आकाश व्यस्त को, उसके बाद के एम आसिफ को रखा हूं, और लास्टली रखा हूं केसी करियप्पा। और मैं केसी करियप्पा को रखा हूं जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, और इसी की वजह से मैं एडम जाम्बा को नहीं रखा, उसके बदले मैं जो रूट को इंक्लूड कर दिया हूं। ठीक है, इस स्क्वाड में इस 16 जनों के लिस्ट में। तो राजस्थान रॉयल्स तो भाई ये प्लेइंग 16 से उतरेगा। ठीक है, तो अभी आप बताओ कि राजस्थान रॉयल्स कैसे तरीके से यूटिलाइज करेगा इस मतलब इंपैक्ट खिलाड़ी को। ठीक है, तो मैं बताऊं कि अगर उनको पहले बल्लेबाजी मिल जाता है तो भाई ये टीम ना मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट को खिला देगा, उसके बदले ना ट्रेंड बोल्ट को बिठा देगा, और सेकंड वाले इनिंग्स में ट्रेंड बोल्ट को इंट्रोड्यूस कर देगा, तो इनका भाई टीम सही है। ठीक है, मतलब इन पे मतलब ज्यादा आपको भाई करामाती करने को देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होगा जो रूट को खिलाओ अगर पहले बल्लेबाजी मिलता है तो, और सेकंड में जब इंपैक्ट प्लेयर का रूल आएगा मतलब लागू होगा, ठीक है, तब आप खिला दो ट्रेंड बोल्ट को। ये ही एकमात्र ऐसा चीज होगा। लेकिन अभी मैं अगर बात करने को जाए सनराइजर हैदराबाद के ऊपर, तो हैदराबाद कैसे तरीके से यूटिलाइज करेगा इंपैक्ट खिलाड़ी को और प्लेइंग 11 कैसा बनेगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि प्लेइंग 11 में ना उतरेगा अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में मयंक अग्रवाल, उसके बाद 3 नंबर पे मैं रखा हूं डेफिनेटली राहुल त्रिपाठी ही खेलने वाला है, उसके बाद है 4 नंबर पे मैं हैरी ब्रुक को रखा हूं, एडन विक्रम नहीं है तो इसके बाद हैरी ब्रुक को मैं रखा हूं, उसके बाद आता है 5 नंबर पे मैं रखा हूं अब्दुल समद को, उसके बाद 6 नंबर पे रखा हूं ग्लेन फिलिप्स जो कि भाई तबाही वाला फॉर्म से जा रहा है, उसके बाद 7 नंबर पे मैं वाशिंगटन सुंदर को रखा हूं, 8 नंबर पे रखा हूं आदिल रशीद को, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है एज ए ऑफ स्पिनर टाइप का गेंदबाजी के तहत, तो आदिल रशीद को मैं इंट्रोड्यूस किया हूं क्योंकि वो लेग स्पिन करेगा बेहतर तरीके से। ठीक है, उसके बाद भाई आपका तीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमर मल्लिक रहेगा। लेकिन आपके टीम में अभी बात आता है कि कैसे तरीके से आप इंपैक्ट खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस करोगे, तो उस जगह पर जो जो खिलाड़ी इंपैक्ट खिलाड़ी के लिस्ट में आएगा उस जगह पर आपको देखने
को मिलेगा कि उपेंद्र यादव आ रहा है, विभ्रांत शर्मा आ रहा है, फैजल हक फरूखी आ रहा है और लास्टली कार्तिक त्यागी और मयंक मार्कंडे को भी मैं रखा हूं। ठीक है, तो अभी बात आता है कि इस तरीके से यूटिलाइज होगा। तो इस टीम में देखो पूरे 16 जनों के लिस्ट में ना टोटल 4 विदेशी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि जब विदेशी और भी जो 3 विदेशी है मेनली वो जब साउथ अफ्रीका से आ जाएगा जो कि नेक्स्ट मैच में ही आ जाएगा तब अलग वाला लिस्ट होगा। लेकिन अभी इन 3 विदेशी को लेकर आई थिंक वो लोग उतरेगा और फैजल अफ्रीकी को एज ए भाई इंपैक्ट खिलाड़ी के तहत यूज कर सकता है। तो कैसे तरीके से यूज करेगा वो आप देखो। सबसे पहले देखो अगर उनको पहले बल्लेबाजी मिलता है तो जो भाई प्लेइंग 11 है उस प्लेइंग 11 से ही जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी छेड़खानी मत करो, जो प्लेइंग 11 मैं बताया हूं उस प्लेइंग 11 से ही जाओ अगर आपको पहले बल्लेबाजी मिलता है। लेकिन उसके बाद जब आप सेकंड में गेंदबाजी करने को आओगे ना तब आप मयंक अग्रवाल को बिठा दो, उस जगह पर आप फैजल अक फरूकी को भी खिला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्पिन गेंदबाजी चाहिए तो आप अब मयंक मार्कंडे को भी खिला सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारा ऑप्शन आपके पास बन जाएगा। तो ये हो सकता है एसआरएच का स्ट्रेटजी भाई फर्स्ट वाले मैच के लिए उनका, और दोनों टीम ही ना अपना बेहतर यानी मैं अगर बात करूं अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा। तो उस जगह पर आप सभी लोगों को इसके ऊपर क्या राय देना है वो कमेंट पर बताओ। और इंपैक्ट खिलाड़ी का ये वाला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना ये भाई देखने को मजा आ रहा है। तो उस जगह पर डेली बेसिस पर ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, उसके लिए भाई चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और लाइव में मैं डेली बेसिस पर आता रहूंगा और लाइव में आने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा रात को, आप आ जाना, थोड़ा सा बात करेंगे मौज करेंगे उसके बाद वापस से चले जाकर सो जाना। ठीक है, तो अभी इधर ही समाप्त करते, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा। आईपीएल में भाई त्योहार, इंडिया का त्योहार, बाय बाय, टेक केयर।